प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने मुझे भगवान की सारी लीलाएं तो सुना ही दी है, एक इच्छा अब बाकी है, क्योंकि आज सातवां दिन है। आप जानते हैं मेरा आज अंतिम दिन है, तक्षक आएगा, डसेगा। इसलिए महाराज बस एक बार मुझे किसी भगवान के भक्तों की तो कथा सुनाई, लेकिन आप कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसमें भक्त भी हो और भगवान का मित्र भी हो। सख्य भाव, सख्य रस की भक्ति के लिए कोई कथा सुनाए। तब श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को भगवान के परम मित्र, भगवान के परम भक्त श्री सुदामा जी महाराज की कथा को श्रवण पान कराया। कृष्णस्य सिते सखा कश्चित् ब्रह्मनो ब्रह्मवित्तः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मजितेन्द्रियः। कृष्ण के परम मित्र नाम है सुदामा, गांव का नाम है वृंदापुर, जिसको आजकल पोरबंदर कहते हैं, देश का नाम गुर्जर, जिसको गुजरात कहते हैं। एक पत्नी है जिसका नाम सुशीला है, दो बालक हैं, पिता जिनका कुछ ग्रंथ कहते हैं नाम आत्मदेव है, कुछ ग्रंथ कहते हैं नाम धरणीधर है। इस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? नाम लिया गया सुदामा। दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति सुदामा। किसी ने पूछा, अरे भाई ये कैसी उल्टी उल्टी बात, हमने तो सुना है दुनिया का सबसे दरिद्र आदमी था सुदामा। काय काम है उसकी, क्या कोई फैक्ट्रियां चल रही थी, क्या उसकी कोई बिल्डिंगें थी, कोई उसके गाड़ी बंगले थे? बोले नहीं, ये सब नहीं था, उसके पास एक धन था, जो जिसके पास आ जाए उसके सामने सब धन बेकार है, और वो है संतोष रूपी धन। ये जब जिसके पास आ जाए तो सब धन धूली के समान, अगर ये नहीं आया तो तुम ब्रह्मांड के मालिक भी बन जाओ तो भी संतोष होने वाला नहीं। किसी से पूछ लो कि आपके पास जितना धन है आप उसमें खुश हो? बोले हाँ, वैसे तो सब ठीक है, बस थोड़ा सा उसके जितना और हो जाता तो। उससे पूछो तो वो कहेगा हाँ मैं भी ठीक हूँ, पर उसके जैसा, बस सब ऊपर 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 देखते रहते, कभी नहीं सोचते कि मुझसे कोई नीचे भी है। एक बार क्या होता है, श्री नारद जी पृथ्वी पर घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा एक भिखारी कड़ा कड़ा भीख मांग रहा था, बड़ी दरिद्र हालत है, फटे कपड़े हैं, मैला शरीर है। तो श्री नारद जी को दया गई, उन्होंने कहा कि चल भैया मेरे साथ चल, मैं तेरी जो भी इच्छा है वो पूरी कराता हूं, कुबेर के पास ले। कुबेर को बोले कि भैया इसके हाथ में जो कटोरा है, जो पात्र है, इसको ले जाओ और अपने दूतों से कहो पूरा कटोरा सोना चांदी हीरा मोती धन से भर दे। तो कुबेर ने आज्ञा दी, उसके कटोरे को ले जाया गया, उसको खजाने से भर के वापस लाके उसको दिया गया। अब जैसे उसको वापस लाके दिया, जैसे उसने हाथ में लिया, देखा कटोरा खाली था, पात्र खाली था। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, भर के तो लाए थे। कुबेर बोला कोई बात नहीं, दोबारा भर लाओ। दोबारा दे दिया पात्र, फिर भर के लाए, फिर जैसे उस भिखारी को दिया हाथ में आके फिर खाली, फिर भेजा गया। बार बार उस कटोरे को भेजते गए धन को लाने के लिए उस पात्र में, हर बार कटोरा खाली होता गया। धीरे 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 कुबेर कंगाल हो गया, लेकिन वो पात्र भरने में नहीं आया। नारद जी ने सोचा ऐसा इस पात्र में है क्या जो भरने में नहीं आता? तो नारद जी ने कहा ला पात्र तू मुझे दिखा, हम भी तो देखे। नारद जी ने वो पात्र को पकड़ा, उसको उल्टा किया, तो पता चला वो पात्र नहीं था, वो तो मानव की खोपड़ी थी जो कभी भरने में ही नहीं आती। वो मानव की खोपड़ी थी जिसके अंदर कुबेर का खजाना भी भर दो, कुबेर कंगाल हो सकता है, लेकिन आदमी नहीं कह सकता कि बस अब नहीं चाहिए, वो नहीं कह सकता, उसको और चाहिए और चाहिए, कोई कभी संतोष नहीं।
संतोष सिर्फ उसको आ सकता है जिसके जीवन में भक्ति हो, भगवान नाम। बाकी तो सब रोए जा रहे हैं, सब रो रहे हैं। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, भजन बिना सब जगत दुखारी। भजन के बिना सब दुनिया दुखी है, जिसके जीवन में भजन है उसकी उसका जीवन मस्ती में है, मौज में। आपने देखा नहीं, कोई कोई संत होते हैं जिनको शाम को भी भोजन है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मस्ती में रहते, एक लंगोटी एक लोटा एक सोटा और बस आनंद में है, आज यहाँ तो कल वहाँ। और हम बिजनेस चला चला के मरे जा रहे, रात को सोने के लिए भी नींद नींद की गोली खाते हैं, तो भी वही के वही, मस्ती नहीं आई अभी, अभी उलझे पड़े हैं। हरी राम की अभी मस्ती नहीं चली। तो श्री सुदामा जी के पास संतोष रूपी धन है, बहुत बहुत सादगी से जीवन जीते। नियम था 5 घर से बस भिक्षा मांगना है, वो भी कोई धन धान्य नहीं, ब्राह्मण का ये कर्तव्य है कि उसको भिक्षा मांगे, 5 घर से जो मिला सो खा लिया, नहीं मिला तो अपना जल पिया, ठाकुर जी का नाम जप किया। 5 घर निश्चित थी, और वो 5 घर वाले भी कब तक दें, वो भी खूब सुदामा जी को गाली देते थे, खूब सुनाते थे, पर सुदामा जी अपने भजन में मस्त रहते। बाल बच्चे, माँ सुशीला भी बड़ी भक्त थी, बड़ी सुशील थी। एक दिन माँ सुशीला ने प्रार्थना की, हे स्वामी आप तो द्वारिकाधीश के मित्र हो, क्या आप जाके भगवान से कुछ मांग नहीं सकते, क्या वो आपकी मदद नहीं करेंगे, आपके तो मित्र हैं, जानते हैं। हे सुशीला, मैंने कृष्ण को मित्र इसलिए नहीं बनाया था कि वो बहुत बड़ा राजा है और मेरी मदद करेगा, मैं निष्काम भक्ति करना चाहता हूँ, मुझे उससे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि अगर मैंने कुछ भजन के बदले में उससे मांग लिया तो फिर मेरी भक्ति भक्ति नहीं रहेगी, वो मजदूरी बन जाएगी। मजदूर तुम्हारे घर काम करे तुम उसको 100 रुपया दे दो, हिसाब बराबर। मुझे भक्ति चाहिए, शुद्ध भक्ति। अच्छा ठीक है स्वामी, आप कुछ मांगने नहीं जा सकते, मान लिया आपकी भक्ति शुद्ध है निष्काम है, कम से कम कृष्ण से मिलने तो जा सकते हो, दर्शन करने तो जा सकते हो। बहुत दिन हो गए आपने देखा नहीं उनको कभी, उन्होंने आपको देखा नहीं, एक बार मिलने चले जाओ, बस दर्शन करने चले जाओ। हाँ सुशीला, ये कर सकता हूं, मिलने जा सकता हूं, कुछ मांगूंगा नहीं कुछ बोलूंगा नहीं, बस दर्शन करके वापस आ जाऊंगा, क्या लेके जाऊं, भेंट तो कुछ लेके जाना चाहिए। कुछ चावल घर में थे, सुशीला लाई, अपनी साड़ी को फाड़ के उसको बांध के सुदामा को दे दिया। साड़ी काटने का अर्थ है कि सुशीला ने अपना सर्वस्व उस पोटरी में बांध के दे दिया। सुदामा कांख में बगल में उस पोटरी को दबा करके द्वारिका की ओर चले गए, जा रहे हैं मन में कृष्ण का ध्यान करते हैं। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, कैसे आऊं रे नंदलाला।
सारी नगरी दिन को
जी संग आओ परहा शर्म मोह लागे, सब जी संग आओ परहा लाज मोह लागे, सखी संग आओ कन्हा लाज मोह लागे। श्री सुदामा जी महाराज भगवान को अपने मन में बसाए श्री द्वारिका धाम की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में कृष्ण को याद करते करते कब रास्ता निकल गया पता नहीं चला। एक वृक्ष के नीचे श्री सुदामा जी ने विश्राम किया तो भगवान ने अपनी माया से उनको सीधा द्वारिका पहुंचा दिया। द्वारिका में आंखें खुली देखा बड़े बड़े महल खड़े हैं, चारों तरफ लोग घूम रहे हैं। अरे भैया ये कौन सी नगरी है? बोले इस नगरी का नाम द्वारिका नगरी है। अच्छा मैं द्वारिका में पहुंच गया, अरे भैया इस नगरी में तो मेरा कन्हैया भी रहता है, तुम बता सकते हो कन्हैया का महल कौन सा है? बोले हाँ हाँ देखिए वो सीधा जाइए, वो सामने जो दूर पर दिख रहा है वो प्रभु का और माँ रुक्मणी जी का महल है। सुदामा जी चल पड़े महल की ओर, सामने द्वारपाल खड़े थे, सबसे प्रार्थना की भैया जरा अपने द्वारिकाधीश को जाके एक बार सूचना दीजिए कि उनके द्वार पर उनका एक मित्र मिलने आया है, बचपन का मित्र है, गुरुकुल में मिले थे, नाम सुदामा है। अगर उनकी इच्छा हो और उनको याद है कि मैं उनका मित्र था तो
आप जरा मुझे आके सूचना दीजिए, वरना मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। द्वारपाल अंदर प्रभु के कक्ष में जाते हैं। प्रभु विराजमान थे सिंहासन पर, मां रुक्मणी जी के साथ पटरानियां उनकी सेवा कर रही थी। द्वारपाल ने जाके कहा, प्रभु आपसे कोई मिलने के लिए द्वार पर आया है, ब्राह्मण है, दुबला पतला सा, कह रहा है कि आपका मित्र है। बस द्वारपाल ने इतना बोला ही कि कुछ कहना नहीं पड़ा, भगवान स्वतः ही बोल पड़े, अच्छा क्या उसने अपना नाम सुदामा बताया है? हाँ प्रभु आप जानते हैं उसे। अरे सुदामा आया है। बस नाम सुनते ही ठाकुर जी भूल गए कि मैं जगत पिता हूँ या ब्रह्मांड का मालिक हूँ कि द्वारिका का मालिक हूँ। सिंहासन छोड़ के प्रभु दौड़ पड़े, मुकुट गिर गया, लुकुट गिर गया, पीताम्बर गिर गई, और श्री ठाकुर जी ने जा करके सुदामा को अपने वक्ष स्थल से लगा दिया। सुदामा को यकीन नहीं हुआ कि कोई इतना भक्त वत्सल कैसे हो सकता है। एक बार तो जरूर व्यक्ति सोचता ही है कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, वो मेरा मित्र, दुनिया क्या सोचेगी, क्या कहेगी मेरे बारे में। और ठाकुर जी ने नहीं सोचा, सब कुछ भूले भगवान। सुदामा को लेके आए अपने सिंहासन पर जहां प्रभु बैठते हैं, वहां सुदामा को बिठाया। अरे भैया तू तो मुझे भूल ही गया, मुझे याद ही नहीं किया तूने, इतने दिन हो गए, मैंने सोचा कि सुदामा मुझे भूल गया। नहीं कृष्ण, मैं अपने को भूल सकता हूँ लेकिन तुमको नहीं भूल सकता। मेरी हर श्वास पर तुम्हारा नाम था, बस एक भय था कि कैसे आऊं, कैसे आके कहूं कि कृष्ण मेरा मित्र है। हिम्मत नहीं हुई आने की, बस तुम्हें भूल नहीं सकता मैं, कैसे भूलूं उस दिन को जब प्रथम मुलाकात हुई थी। सुदामा गुरु संदीपनी के आश्रम में जा रहे हैं, सुदामा के पांव में कांटा चुभ गया। सुदामा बैठ के कांटे को निकाल रहे थे पर कांटा निकल नहीं रहा। सामने से एक रथ आया, रथ में विराजमान है स्वयं कृष्ण और बलराम। रथ जैसे नजदीक पहुंचा, भगवान रथ से उतरे, ये पहली भेंट थी सुदामा कृष्ण की। नीचे उतर के देखा, ब्राह्मण है, जनेऊ है, शिखा है, चंदन है, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। भैया तू कहाँ जा रहा है, बैठा क्यों है? बोले गुरुजी के आश्रम जा रहा हूँ, पर भैया पांव में कांटा लग गया, निकल नहीं रहा। अच्छा भैया मैं निकालूं? बोले नहीं नहीं, अरे भैया आप तो इतने बड़े राजा के बेटे लगते हो, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं। भगवान ने क्या कहा? बोले भैया मित्रता में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, आज से मैं और तू मित्र हैं। मित्रता का हाथ भगवान ने पहले बढ़ाया और हाथ पकड़ के कांटा निकालने लगे, पर कांटा अंदर घुस चुका था, निकल नहीं रहा, इसलिए भगवान ने अपने मुख से सुदामा के पांव से कांटे को निकाला। दुनिया में कांटा चुभाने वाले बहुत मिल सकते हैं, लेकिन कांटा निकालने वाला अगर कोई है तो स्वयं भगवान। हे कृष्ण, आना तो चाहता था लेकिन भैया बस हिम्मत नहीं हुई कि कैसे जाऊं कृष्ण के पास। अच्छा चल ठीक, अब सब हो गया, अब बता, अब आया है तो खाली हाथ तो तू आया नहीं होगा, कुछ भेंट तो जरूर लाया होगा, बता क्या भेंट लाया। सुदामा जानता है कि मेरा कृष्ण कोई ऐश्वर्य नहीं देखता, अगर मैं उसे सूखे चावल भी दे दूंगा तो वो खुश हो जाएगा, पर इतनी सारी पटरानियां खड़ी हैं, इनके सामने कैसे कहूं कि चावल लाया हूं।
इसलिए काक में जो बगल में कोटरी थी चावल की, उसको दबाने लगे, छुपाने लगे कि कहीं दिख ना जाए। लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान ने सुदामा की काक में दबी हुई, बगल में दबी हुई पोटली को सुदामा से छीन लिया। पोटली को खोला, एक मुट्ठी चावल ग्रहण किया, दूसरा मुट्ठी चावल ग्रहण किया, और भगवान ऐसे पा रहे हैं जैसे आज तक भगवान को ऐसा कुछ पहले खाने को मिला ही। दुनिया ने खूब छप्पन भोग लगाए, भगवान ने इतना प्रेम से कभी नहीं खाया जो आज भगवान सुदामा के चावलों को खा रहे हैं। दूसरा मुट्ठी चावल ग्रहण किया, तीसरा मुट्ठी चावल प्रभु ग्रहण करे उससे पूर्व माँ रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि प्रभु कुछ प्रसाद हमको भी दीजिए, हम भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। वैष्णव का, भक्त का प्रसाद है, हमारे अंदर भी भक्ति आएगी इस प्रसाद को ग्रहण करने से। सुदामा जी पर भगवान ने कृपा की है और भेंट हुई, चर्चाएं हुई घर के बारे में, परिवार के बारे में, बाल बच्चों के बारे में, सब सुदामा जी ने अपना हाल बताया है। कुछ दिनों तक सुदामा जी रहे, बोला हाय कृष्ण अब मुझे जाना होगा क्योंकि घर पर बच्चे बालक सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो मुझे चलना चाहिए। अच्छा भैया ठीक है, बड़ा अच्छा लगा तुम आए, आते रहना, भेंट होती रहे तो अच्छा लगता है। भैया बस जा रहा है, और घर में कोई परेशानी तो नहीं है, बता दे कुछ हो तो। भगवान चाहते कि सुदामा अपने मुख से कुछ मांगे, कुछ कहे, पर सुदामा की भक्ति भी महान है, जिसमें कोई कोई मांग थी ही नहीं, कोई भक्ति में मिश्रण था ही नहीं। नहीं कन्हैया सब तेरी कृपा से बिल्कुल बढ़िया है, कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, बस अपनी कृपा बनाए रखना। आशीर्वाद लेके सुदामा अपने घर की ओर चले हैं, किंतु प्रभु की कृपा देखो, जैसे सुदामा घर पहुंचते हैं, जहां कभी एक छोटी सी टूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, आज बड़े बड़े स्वर्ण महल बने, बड़े बड़े महलों में दास दासियां घूम रहे हैं। सुशीला हाथ में आरती की थाली लेके बाहर आई है, सुदामा को स्वागत के लिए। सुदामा ने पूछा, सुशीला ये सब क्या है, ये सब कहाँ से आया है? हे स्वामी मुझे नहीं पता, आपके जाने के बाद एक आदमी आया था, उसने कहा कि मैं सुदामा ने मुझको सुदामा ने भेजा है, सुदामा का मुनीम हूँ। सुदामा जी हंसते, अरे पगली तूने मान लिया कि मैं सुदामा का मुनीम हूँ, और तू मान गई, तुझे पता नहीं हमारे पास खाने के लिए भोजन तक नहीं होता, किस बात का मुनीम? बोले स्वामी हमें नहीं पता, वो भीतर बैठा है, आप जाके खुद ही पूछ लो उससे। सुदामा जी अंदर गए, जाके देखा, आंखों से अश्रुधार गई, स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आज बंशी छोड़ पीतांबर छोड़ सुदामा का मुनीम बन के बैठा। हे प्रभु इतनी दया मुझ पर क्यों, मैं तो इसके काबिल भी नहीं था। हे सुदामा तेरी भक्ति महान है, भगवान का एक ऐसा दरबार है जहां सबकी झोलियां भरी जाती है, बस नाम नहीं लिया जाता कि मैंने दिया है,
सबको मिलता वहीं से है, कोई माने चन्ना माने। बाकी हमारी हैसियत क्या है कि हमने ऐसा कुछ कर्म किया नहीं कि भगवान ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, उसके नाम लेने का अवसर प्राप्त दिया, ये सब उसकी कृपा का फल है। सुदामा की भक्ति ने सुदामा को अमर कर दिया। आज यहाँ बैठ के किसी राजा की कथा हम नहीं सुन रहे, उस गरीब सुदामा की कथा सुन रहे, क्योंकि कृष्ण ने जो स्वागत किया था ना, सब कुछ छोड़ के जो भागे थे, वो सुदामा का नहीं, सुदामा के त्याग का स्वागत था, सुदामा के संतोष का स्वागत था। हे प्रभु, जब तक बिका न था कोई पूछता ना था, हमारी हैसियत क्या थी तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, लेकिन हे प्रभु तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जब से तेरी शरण में आया जिंदगी बन गई। सुदामा पर भगवान ने भरपूर कृपा की है, बिन सोचे बिन समझे खूब आशीर्वाद दिया है। लेकिन सुदामा भी बड़े बड़े भक्त है, कभी उस महल में नहीं रहे। उस महल के पास में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, उसी झोपड़ी में जैसा पहला जीवन जीते थे वैसे जिए, भगवान नाम लिया और भगवान को श्री सुदामा जी ने प्राप्त किया। तो ऐसे श्री सुदामा जी महाराज की कथा को श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को श्रवण कराते हैं, जो आप हम सब ने श्रवण पान की। सुदामा की कथा को हम सब विश्राम दें, उससे पहले आइए सभी 2 मिनट के लिए संकीर्तन करते हैं और भगवान को और सुदामा जी को विदा देते हैं सभी भाव से मिलकर। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल, सभी से प्रार्थना है अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठे रहें, तथा विश्राम नहीं है, अनुशासन बनाए रखें। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो।
बाबा महाराज की कथा को आप हम सबने संक्षेप में श्रवण किया। सभी माता बहनों से प्रार्थना है जो पीछे खड़ी हो गई है, आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सबके लिए स्थान है तो कृपया व्यवस्थापकों से भी प्रार्थना है थोड़ी व्यवस्था बनाएं। और सभी माताएं अपने अपने स्थान पर बैठ के, आपने 6 दिन अनुशासन का परिचय दिया है तो 7वें दिन क्यों भंग करते हैं एक दिन के लिए। सबसे प्रार्थना है अपना अपना आसन शांतिपूर्वक ग्रहण करें। श्री सुखदेव जी महाराज आगे परीक्षित को भगवान की अनेकों लीलाओं का दर्शन श्रवण पान कराते हैं। यदुवंश के नाश की कथा आई, यदुवंश को नाश कर दिया गया। सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़ के यहां पर मारे गए। भगवान का भी इस पृथ्वी से जाना, गोलोक धाम का समय आया। प्रभाग क्षेत्र में भगवान सभी भक्तों पर कृपा करते हुए श्री उद्धव जी को कुछ संदेश देते हैं, जो कि बड़ा ही अद्भुत संदेश है भागवत का, जो सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि भागवत में तो उतना समय नहीं होता कि उसको विस्तार पूर्वक श्रवण कराया जाए, लेकिन बड़ा ही अद्भुत वो प्रसंग है उद्धव का और भगवान कृष्ण का जो प्रसंग है। कैसे ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय सबका क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, सब श्री ठाकुर जी ने उद्धव को श्रवण कराया है। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आप चले जाएंगे तो आपके बाद कलयुग के लोग आपका दर्शन कहाँ करेंगे। तब भगवान ने बताया है कि मैं तो जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद मैं अपने स्वरूप को इस श्रीमद् भागवत कथा में स्थापित करके जाऊंगा। यानी कलयुग में भगवान का और भागवत में कोई फर्क नहीं है। भागवत जो है ये स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। तो ऐसी श्रीमद् भागवत जिसका हम श्रवण कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना है, बीच में ये जो मैया चावल इकट्ठा कर रही है ना, ध्यान से सुन लीजिए, मैया आप जहां खड़ी हैं वहीं बैठ जाइए, और जो भी लोग बीच में जा रहे हैं कुछ चावल लेने के लिए, सब जब कथा विश्राम होगी तो आप सब अपना जो भी लाए हैं वो जहां भी स्थान बनाया गया हो वहां आप रख दीजिए, किंतु बीच में ना जाए। भजन कोई आए तब आप जा सकते हैं। इसके उपरांत श्री दत्तात्रेय जी की कथा आई, जिन्होंने 24 गुरु धारण किए, शिक्षा ग्रहण की 24 गुरुओं से, अलग अलग शिक्षा ली, पृथ्वी से, अजगर से, कबूतर से, वैश्या से, पिंगला वैश्या से, आदि आदि से शिक्षा ग्रहण की है। इसके उपरांत भागवत के सार की ओर हम बढ़ते हैं। मैंने कथा के प्रारंभ में भी कहा था और अब भी कहूंगी कि आवश्यक नहीं भागवत की हर 7 दिन की कही हुई बात हमको याद रहे। हम संसारी हैं, संसार में लग जाते हैं, भूल जाते हैं, उतना याद नहीं रह पाता है, नहीं बन पाता है। क्या कोई भागवत का एक ऐसा सार है जिसको हम अपना लें तो जीवन की सारी, भागवत के सारे सूत्र हमारे जीवन में आ जाए। एक सूत्र कोई ऐसा कौन सा है, तो उसके लिए भागवत के विश्राम का श्लोक है। सभी हाथ जोड़ करके मेरे पीछे उस श्लोक का पाठ करेंगे। भागवत का प्रथम श्लोक हमने पाठ किया था और भागवत का विश्राम का श्लोक हम पाठ किया। सभी हाथ जोड़ नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनास, प्रणामो दुख समनास, प्रणामो दुख
समनास प्रणाम दुख समनास तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। श्रीमद् भागवत का सार कहता है, आप इन सात दिनों की अगर हर सूत्र को याद ना रख पाए तो सिर्फ नाम संकीर्तनम यश्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान के नाम को और भगवान के नाम के संकीर्तन को आप अपने जीवन में उतार लेंगे, पूरी भागवत का सार उसी नाम में समाया। चलते फिरते खाते पीते सोते जगते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब याद आ जाए जब करते रहो, जब याद आ जाए बोलते रहो। आज आज प्रभात फेरी निकली थी, बड़ा सुंदर, बहुत लोग आए। कौन कौन आए थे आप में से? अच्छा, बहुत अद्भुत आनंद हुआ उस प्रभात फेरी में, सबने बड़ा आनंद लिया। और ये प्रभात फेरी रुकनी नहीं है, वैसे चलती है यहाँ पहले से ही, जो मुझे सूचना दी गई चलाई जा रही है, बस उस प्रभात फेरी में आपको और जुड़ना है और लोगों को जाना है, रुकना नहीं है। जितने लोग आए हैं आपको उसको बरकरार रखना है, क्योंकि सुबह भी बताया था प्रभात फेरी में कि नाम से बड़ा दुनिया में दूसरा कुछ भी नहीं, संकीर्तन से बड़ा कुछ भी नहीं। तो प्रभात फेरी करेंगे। और एक एक चीज और, अब सातवां दिन है तो कम से कम आपको दक्षिणा तो देनी चाहिए, देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। बस मेरी आपसे प्रार्थना है, इस भागवत कथा के बाद आप एक काम प्रारंभ करें। मुझे मालूम है आप सब बहुत व्यस्त हैं, आप सबकी अपनी अपनी दुनिया है, अपनी अपना जीवन है, कोई कहीं व्यस्त है तो कहीं मस्त है, लेकिन बस मेरी आप इस भागवत की दक्षिणा के रूप में एक ही आपसे प्रार्थना है, आपको 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट इस भागवत को देने दक्षिणा के रूप में। सुन तो लो, 10 मिनट में करना क्या है? 10 मिनट में माला लेकर के, एक माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की एक माला, जिसको करने में शुरुआत में आपको 10 मिनट लगेंगे, धीरे धीरे और समय कम हो जाएगा। एक माला महामंत्र की जब आपकी इच्छा करे, सुबह सांझ दोपहर रात को, बेड पर खाट पर चारपाई पर जमीन पर गाड़ी में, कहीं जहां आपको मौका मिल जाए, एक माला महामंत्र की आप नित्य प्रति प्रारंभ करें। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, ज्यादा समय नहीं, जब आपको टाइम मिल जाए। ये आपकी भागवत की सबसे बड़ी दक्षिणा हो। करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन कौन करेंगे हाथ उठा के? अरे वाह, देख लेना सबके हाथ खड़े हैं, कैमरा में सब सबका चेहरा आया होगा। नहीं, मुझे आशा है और मुझे विश्वास भी है कि आप सब इस कथा के द्वारा नाम को अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। एक प्रार्थना और है, मैंने देखा है इस इलाके में कई सारी कथाएं भी हुई है, और उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन मेरी प्रार्थना है, मैंने देखा है इस इलाके में कुछ खान पान थोड़ा बिगड़ा हुआ है, बेचारे दिन भर बोलते ही नहीं कुछ, क्योंकि बोले कैसे मुख में, तो किसी ने सच्ची कहा है कि सिर्फ देशभक्ति क्या है, बोले सिर्फ बॉर्डर पर जाके बंदूक लेके बंदूक चलाने से ही देशभक्ति नहीं है, अगर तुम खा के हर जगह चौराहे पर थूकना भी कम कर दो ना, तो ये भी तुम्हारा देश पर कम बड़ा एहसान नहीं होगा। इतना दुनिया समझा, देखो आदमी की विचार देखो, जो चीज नहीं करनी उसी को जरूर करेगा, जबकि इसमें कुछ मिलना धिलना उसको है नहीं, और उल्टा सब चीज की बर्बादी, पैसे की बर्बादी
उसके स्वास्थ्य की बर्बादी कितना स्पष्ट शब्दों में लिख दिया जाता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, फिर भी आदमी नहीं मानता। सोचता है कि मैं सिगरेट को पी रहा हूं, पर सिगरेट हंसती और कहती, अरे पगले तू गलत सोच रहा है, तू मुझे नहीं पी रहा, असलियत में मैं तुझे पी रही हूं, तेरी जिंदगी को पी रही हूं, हर दिन को घटा रही हूं, और तू सोचता है मैं पी रहा हूं। इसलिए इन व्यसनों से थोड़ा दूर रहो, क्यों जिंदगी को बर्बाद किया जाए। खाने के लिए दुनिया में भगवान ने कितनी अच्छी अच्छी चीज बनाई, रसगुल्ला खाओ, इमरती खाओ, और स्टेशन वाले रसगुल्ले खाओ, जलेबियां खाओ, रस मलाई खाओ, बस इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा शुगर हो जाएगी। जो भी खाओ लेकिन व्यसनों से थोड़ा दूर रहो, आपके लिए अच्छा, परिवार के लिए अच्छा, सबके लिए अच्छा, सबके लिए। तो सबसे मेरी प्रार्थना है, आशा है, और पता, मैंने तो ये भी देखा, चलो आदमी तंबाकू खाए अलग बात, मैंने एक मैया को भी खाते देखा। मैया खाती है यहाँ पे? हाँ, देखो लो, बताओ अब पति को तुम क्या समझाओगी, या खुद ही उस काम में लगी हो तो पति को क्या कहोगी? पति भी कहेगा मैं भी खूब पी के आऊंगा। अरे अब माता तो मात्र शक्ति है, उसको तो धर्म में लगना चाहिए, बाल बच्चों को, पति को रोकना चाहिए, आप उल्टा काम क्यों करती हो? बिल्कुल दूर रहो इस चीज से, ये सब बड़ा हानिकारक है। भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी है तामसिक चीजों से दूर रहना, ये सब तामसिक चीज है, ये मन में विकार लाती है। व्यसनों से दूर रहे, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना, और एक हरि नाम की माला जप करें। कुछ धन्यवाद के पात्र, उनका हम नाम लें, उससे पहले श्री सुखदेव गोस्वामी को विदा करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को 7 दिन तक कथा श्रवण कराई, परीक्षित पर कृपा की और कहा, हे परीक्षित अब मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम भजन करो, मन को भगवान में लगाओ, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। आशीर्वाद देकर के श्री सुखदेव गोस्वामी वहाँ से विदा लेते हैं। बोलिए श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। इसके उपरांत परीक्षित जी ध्यान पर बैठे, भजन किया और मन को भगवान में लगाया, आत्मा को भगवान में लीन किया, सिर्फ शरीर वहां शेष था, तक्षक आया, डस के चला गया, लेकिन 7 दिन की कथा के श्रवण फल से महाराज परीक्षित का उद्धार हो गया। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आज कथा के विश्राम की ओर हम बढ़ रहे हैं। सब प्रथम तो हम सभी जानते हैं आज राधा कृष्ण मंदिर का स्थापना दिवस है, 25वां स्थापना दिवस, और मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि ये मंदिर बरसों तक ऐसा चलता रहे, आप हम सब पर कृपा बरसाता रहे, और भगवान के इतने सुंदर सुंदर आयोजन हर वर्ष आप सबको प्राप्त होते रहे, ऐसी श्री ठाकुर जी से मेरी प्रार्थना है। मुझे सब प्रथम तो जो यहाँ का व्यापार संघ है, जो गला मंडी का, सब लोग जो जुड़े हुए हैं, इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अच्छा व्यवस्थित प्रकार से इस कार्यक्रम को वो कराते हैं, क्योंकि एक भागवत संभालना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है व्यवस्थाओं के लिए, लेकिन हर काम को उन्होंने अच्छी प्रकार से संभाला है, और आज बड़ा अद्भुत बता रहे, लाखों लोगों का भंडारा भी है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात की कि हर वर्ष जो यहाँ भगवान को कथा सुनाई जाती है, इस वर्ष भगवान ने हमें अवसर दिया कि हम यहाँ आए और आकर के प्रभु को कथा श्रवण कराएं, आपको कथा श्रवण कराएं, उस चीज़ के लिए प्रभु ने चुना, तो उसके लिए भगवान का बहुत बहुत आभार, और ऐसी आशा कि आगे भी इसी प्रकार भगवान नाम आप सबके मध्य में श्रवण कराते रहे, आप सुनते रहे, आनंद लेते रहे, ऐसी श्री ठाकुर जी से मेरी प्रार्थना है। बस एक मेरी इच्छा है, और मुझे कल बताया भी गया था कि जो व्यापार संघ है वो प्रयास में जुटा है
कि यज्ञशाला भी हो गई, मंदिर भी प्रभु कृपा से बड़ा अच्छा बना है, सत्संग हो ही रहा है, भंडारा भी चल रहा है, लेकिन साथ साथ थोड़ा यहाँ पर भी कोई गौ माता की सेवा प्रारंभ की जाए। तो एक भैया कल आए थे, वही बता रहे थे कि हम प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं, कोई बहुत बड़ी गौशाला हमें नहीं बनानी, लेकिन प्रारंभ में कम से कम 5-10-20 गौ माता हम सब मिल करके रखें, कोई स्थान निश्चित किया जाए और उस स्थान पर 10-15 गौ माता को प्रारंभ में रखा जाए और उनकी सेवा की जाए। तो मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि ऐसी कृपा हो कि आप सबका, क्योंकि देखिए उसमें आप सबका सहयोग बहुत आवश्यक, एक अकेला व्यक्ति कब तक करेगा। आप सब भी जानते हो इन सब आयोजनों में खर्चा भी होता है, अर्थ भी चाहिए होता है, सब चीज़ चाहिए होती है। तो आप सब भी उसमें अपना प्रयास करेंगे, अपना धर्म पूरा तन मन धन से लगेंगे और उसको जरूर, और फिर मेरी आशा है कि यहाँ एक अच्छी सी गौ माता की सेवा के लिए गौशाला बने और भगवान करे उस गौशाला में सेवा देने के लिए मुझे फिर से एक बार यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि गौ माता की सेवा प्रारंभ हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ी बात इस भागवत के लिए और कुछ हो सकती है। और प्रभात फेरी हमेशा चलती रहे और साथ साथ में जितने भी मंडी के जो व्यापारी हैं उन सबको भी प्रभात फेरी में भाग लेना। मैंने सोचा आज आएंगे पर आज आए नहीं, मुझे मालूम है बेचारे थोड़ा रात को 12 बजे तक रास होता है, उसकी व्यवस्थाएं देखते हैं तो जगने में हो जाता है, पर आगे से उसमें सब लोग जुड़ेंगे और संघ वाले भी, व्यापार संघ वाले भी उस प्रभात फेरी में अपनी सेवा देंगे, हरि नाम करेंगे। तो इसी आशा के साथ मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब वृंदावन जाते होंगे, ज़रूर मथुरा जाते होंगे, बिल्कुल मथुरा के नज़दीक ही, वृंदावन के नज़दीक ही प्रभु कृपा से एक वर्ष पूर्व गौ सेवाधाम हॉस्पिटल का हमने क्या ठाकुर जी ने निर्माण कराया है। यहाँ सिर्फ बीमार गाय रहती है, जो सड़कों पर रोड पर एक्सीडेंट है, कैंसर है, अल्सर है, टीबी है, जुकाम है, बुखार है, ये सब बीमारी होती है गौ माता को। आप आके देखिए, बुखार भी होता है और कैंसर तो बहुत ही होता है, तो वो सब बीमारियों का इलाज वहाँ प्रारंभ किया गया है। आप सब जब भी आए एक बार देखें ज़रूर, क्योंकि सुनने में और देखने में बड़ा फर्क है। देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ वास्तविकता में वहाँ कुछ सेवा की जा रही है। और गौ माता के यहाँ भी जहाँ आपको अवसर मिले गौ माता की सेवा करो, गौ माता को चारा खिलाओ, घर की पहली रोटी गौ माता को निकालो, आसपास कोई गौशाला है वहाँ हर संडे को एक दिन छुट्टी हो तो वहाँ निकाल के अपने बच्चों को लेकर के जाया करो, ताकि आपके बच्चों को भी पता चले कि गौ हमारी माता है। तो आप सब उस सेवा से जुड़े ऐसी मेरी आशा है, और अवश्य वहाँ पधारें एक बार दर्शन के लिए, आप सबको निमंत्रण है। और होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो अभी आने वाली है, जब आएगी आज हम यहाँ पर होली उत्सव भी करेंगे पुष्पों से, तो उसका भी आनंद लेंगे। एक बार सभी लोगों के लिए इस कथा में जिसने जो अपना सहयोग दिया है, अपनी सेवा दी है, चाहे वो व्यापार संघ हो, कि नाम तो मैं सबका नहीं जानती, लेकिन जितने भी लोग हैं, हमारे संजय जी हैं और सुरेश जी हैं और जितने भी लोग हैं, सबको व्यासपीठ की ओर से सराहनीय काम उन्होंने किया है, तो एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां से उनका अभिनंदन स्वागत करें। ऐसे ही कार्यक्रम आप हमेशा कराते रहें, ऐसी प्रार्थना है भगवान से। इस कथा में अपना सहयोग देने वाले, टेंट वाले, लाइट वाले, माइक वाले और हमारे कैमरा वाले जो प्रथम बार कथा में आए हैं, मतलब वैसे तो आते हैं आस्था में लेकिन अब प्रथम बार आए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और साथ ही साथ हमारे पूरे कलाकार भाई लोग जो खूब गाते हैं, आनंद दिलाते हैं, उन सब का भी अभिनंदन। और सबसे बड़ा अभिनंदन तो आप श्रोताओं का, क्योंकि कैमरा भी हो, माइक भी हो, टेंट भी हो, सब कुछ हो, श्रोता ही ना हो तो कथा किसको सुनाओगे। तो एक बार श्रोताओं के लिए जोरदार तालियां।
मैं सच बताऊं, जब मुझे बताया गया कि यहाँ मेला भी है और कथा भी है तो मुझे बड़ा डर था, क्योंकि मेला जहाँ होगा तो लोग बस फिर तो हो गई कथा, फिर सुनेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, दस आएंगे दस बैठेंगे, और कथा में कोई एक व्यक्ति भी उठ जाए ना तो उससे थोड़ा मन इधर उधर हो जाता है, जब तक सब शांत बैठ के ना सुने तो आनंद नहीं आता। लेकिन पहले दिन से ही मैंने देखा कि आप सब ने बिल्कुल अनुशासन बनाते हुए बिल्कुल शांतिपूर्वक, इतनी भीड़ में भी इतनी आवाज़ नहीं थी, और आप सब ने बहुत अनुशासन से श्रवण किया, तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है कि आप सब ने इतना अनुशासन से श्रद्धा से श्रवण किया। आइए आज की कथा को हम सब विश्राम करें, उससे पूर्व सभी होली उत्सव का हम आनंद लेंगे। पहले एक बार तो सभी मिलकर के भाव से इस उत्सव का आनंद लेंगे। आज तो विश्राम दिन है, आज तो कहना नहीं पड़ेगा नृत्य के लिए कि कहना पड़ेगा। हाँ, अब तो आप सब तैयार हो, 7 दिन में तो सीख गए होगे नृत्य करना, तो सभी भाव से नृत्य करेंगे, लेकिन खड़े हो सकते हैं लेकिन आगे कोई नहीं आएगा। भैया जहाँ खड़े हो वहीं खड़े होके नाच, धक्का दे दे के फिर सब आगे आ जाते हैं, और अपने अपने आभूषणों का थोड़ा ख्याल रखना। आइए सभी भाव से राधे 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 राधे।